स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है एक्सक्लूसिवली मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 पर बेस्ड है, एनसीईआरटी क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। तो ध्यान से देखें कि पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप उसको एक बार पढ़ लें। आपको इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ये एक एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, तो थोड़ा सा आपको अटपटा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज जी ऑफ एक्स इज़ नॉट अ फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप सपोज ये निकालिए, जी ऑफ ज़ीरो निकालेंगे तो आप एक्स की जगह ज़ीरो डालेंगे। किस में डालेंगे एक्स की जगह ज़ीरो, इसमें कि इसमें? तो आप नेचुरली इसी में डालेंगे, क्योंकि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू क्या लिखा है, ज़ीरो। तो यहाँ पर आप जीरो डालेंगे तो ये जीरो स्क्वायर हो जाएगा, जीरो स्क्वायर मीन्स जीरो। मैं आपसे पूछूंगा जी ऑफ 1.1 कहाँ डालेंगे, नेचुरली इसी में डालेंगे आप, ये डाल दिया आपने। अब मैंने आपसे पूछा सवाल कि जी ऑफ 2 कहाँ डालेंगे, तो जी ऑफ 2 डालने में आपको फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों कन्फ्यूजन हो सकता है? क्योंकि जी ऑफ 2 में इक्वल टू 2 देखिए आप, यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। तो अब आपको कन्फ्यूजन हुआ कि जी ऑफ 2 कहाँ डालेंगे। तो एक काम करते हैं, आप जी ऑफ 2 इससे निकाल लें यूजिंग फर्स्ट पार्ट। आप ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि जी ऑफ 2 यूजिंग फर्स्ट पार्ट का यूज़ करके आपने क्या निकाल लिया, 2 स्क्वायर मीन्स 4। और दूसरे वाले का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं आप। तो जी ऑफ 2 अगर दूसरे वाले का यूज़ करके निकालेंगे तो 3 × 2 कितना हो गया आपका, 6। तो इसका मतलब है कि 2 की दो वैल्यूज़ हो गई, दो आउटपुट हो गए, दो आउटकम हो गए, दो इमेजेस हो गई। कौन कौन सी इमेज हो गई, एक 4 और 6। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन का कॉन्ट्रेडिक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन है। आप फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन के कंसेप्ट के लिए मेरा पिछला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि बेसिक बातें मैंने उसी वीडियो में की हुई है, तो आप उसको ज़रूर से देखिए। तो ये 2 की दो इमेज हैं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों ये फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज 2 इज़ हैविंग 2 इमेजेस, 2 की 2 इमेजेस, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन में लिखा है कि जस्टिफाई योर आंसर। तो मैं आपका आंसर जस्टिफाई कर देता हूँ, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी सेकेंड इज नॉट अ फंक्शन, तो जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फंक्शन because g of 2 is equal to 2 square is equal to 4. ये कौन से कंसेप्ट से, using first option, पहला ऑप्शन यूज किया उससे आया। अब आप ध्यान से देखें, एंड g of 2 is equal to 3 × 2 = 6 यूजिंग सेकेंड ऑप्शन, ये दूसरे ऑप्शन का यूज करके आया। देयरफॉर इट इज सेइंग दैट, या इट इंडिकेट्स दैट that 2 is having 2 images, which is not possible in a function। इसी को जस्टिफाई करना है, इसको ही जस्टिफाई करना है, फर्स्ट को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, एफ ऑफ 3, फर्स्ट ऑप्शन से जाएंगे आप ऑप्शन वन देखें आप, तो एफ ऑफ 3 क्या होगा आपका, एफ ऑफ 3 होगा 3 स्क्वायर 9। और सेकेंड ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन से एफ ऑफ 3 कितना आएगा, इससे भी यही आएगा, 3 × 3 9। तो इट इज अ फंक्शन,
एफ इज अ फंक्शन, एफ एक फंक्शन है क्योंकि दोनों से एक जैसी वैल्यू आ रही है, और जी इज नॉट अ फंक्शन। तो ये था दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर टू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे आए कि ये क्वेश्चन नंबर टू तो बहुत ही सिंपल और ओरली आधे मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स दिया है आपको एक्स स्क्वायर, और पूछा है आपसे एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो कुछ भी नहीं करना आपको, वैल्यू रख दो 1.1 का स्क्वायर। मैं फिर आपको कहता हूँ, आप फंक्शन को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप एक बार ठीक से देख लें, आपके सारे कंसेप्ट्स फंक्शन के क्लियर हो जाएंगे। फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप जो रिलेशन फंक्शन की जो प्लेलिस्ट में आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल भी मिल जाएंगी। 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21 माइनस 1, और अपॉन में 1.1 माइनस 1 0.1, ये आ गया आपका 0.21। ये आप पॉइंट सरका देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, और ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 21/10 = 0.1। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री में डोमेन और रेंज पूछा है। डोमेन और रेंज का डिस्कशन भी हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से किया है, आप उसे जरूर देखें। डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डोमेन ही है केवल, इसमें डोमेन है, डोमेन ऑफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो इसके डोमेन में यही परेशानी है जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होता है। तो डिनोमिनेटर कहाँ जीरो होता है, उसके लिए आपको डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जीरो, स्प्लिटिंग मिडिल से इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 2, एक्स माइनस 6। तो x की दो वैल्यूज आएंगी 2 और 6, ये काम बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि 2 और 6 रखने में डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 और 6 को हटा दिया जाए अगर उसमें से, किसमें से, रियल नंबर में से, तो इसका डोमेन निकल आएगा। तो डोमेन इसका निकल आएगा तब जब इसमें से 2 और 6 को हटा दें, तो इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 6। केवल दो वैल्यूज हटाना है, इसलिए आपको यही वाला इस्तेमाल करना है, इंटरवल मत लगाना, इंटरवल नहीं लगाना आपको, केवल दो वैल्यूज हटाना है 2 एंड 6, क्योंकि 2 और 6 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो ये इसका डोमेन हो गया। रेंज इसने नहीं पूछी है, रेंज हमसे अगले क्वेश्चन में पूछी है, क्वेश्चन नंबर 4 में डोमेन भी पूछा है, रेंज भी पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में भी किया है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको देख लें। इसका डोमेन तो आप जानते हैं, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, जीरो और जीरो से बड़ा कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है कि 1 डोमेन डी एफ डोमेन के लिए 1 और 1 से बड़ी सारी वैल्यूज, 1 और 1 से बड़ी। इनफाइनाइट में हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल आता है। रेंज, रेंज तो रेंज में इसमें सबसे छोटा क्या मिलेगा और सबसे बड़ा क्या मिलेगा, तो आप देख लें रेंज में सबसे छोटा क्या मिलने वाला है आपको। तो जब आप एक्स की वैल्यू, ये रूट है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, केवल और केवल पॉजिटिव होगा फंक्शन की डेफिनेशन से, क्योंकि फंक्शन में एक ही वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं मिल सकती फंक्शन में, एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ नहीं मिलेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
तो सबसे छोटी वैल्यू होगी जब एक्स की, ये सबसे छोटी वैल्यू इसकी होगी जीरो, क्योंकि पॉजिटिव में सबसे छोटी वैल्यू होती है जीरो, जब एक्स की जगह क्या रखेंगे वन, और सबसे बड़ी वैल्यू फिर आप जितनी बड़ी रखते जाएंगे उतनी बड़ी मिलती जाएगी। तो ये इसका रेंज हो गया, क्या हो गया ये इसका रेंज, आर एफ मीन्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर फाइव लेंगे तो क्वेश्चन नंबर फाइव तो सिंपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसका डोमेन क्या रख सकते हैं, तो क्या नहीं रख सकते, सब रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ना तो अपॉन में है ना अंडर रूट में है। और रेंज क्या होगा, रेंज आप देख लें कि मॉड की एब्सोल्यूट वैल्यू की सबसे छोटी वैल्यू होती है जीरो, और बड़ी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो ये इसका क्या हो गया रेंज। पिछले वाली वीडियो में, पिछले वाले उसमें आपको एक ऐसा क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, इससे उसको कोरिलेट करिए, उसमें नेगेटिव वाली वैल्यू मिल रही थी, क्यों, क्योंकि मॉड लगा था वो पॉजिटिव करता था और बाहर माइनस लगा था वो नेगेटिव बना देता है उसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका फाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिक्स, जैसे पिछली एक्सरसाइज का सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे ही क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सिक्स क्वेश्चन दो तरीके से मैं सिखाऊंगा। एफ आपका ऐसा फंक्शन है, इसमें आपको डोमेन निकालना है, इसमें आपको रेंज निकालना है। तो मैं जो एक स्पेशल टेक्निक आपको डोमेन और रेंज की कह रहा था वो इसमें भी डिस्कस हम कर सकते हैं। तो आप देखें कि इसमें एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स लिखने का तरीका है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये इसका तरीका है दोस्तों, ये इसके लिखने का तरीका है। जैसे आपको ऐसा लिख दिया एफ इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, तो इसका ये मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लिखने का तरीका है इसका। तो ये लिखने का तरीका है इसका, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, ठीक। तो अब आप देखें कि डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होना चाहिए, पर एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स हम पढ़ नहीं रहे, हम रियल नंबर्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी माइनस वन। तो इसके लिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स। अब इसका रेंज अगर निकालना चाहेंगे आप, तो अब रेंज में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक तो तरीका है कि आप दिमाग लगा दें, और दूसरा तरीका है कि फिर मैं टेक्निक भी बता दूंगा आपको, और उसे एक दो क्वेश्चन भी बता दूंगा कि डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर आपका, ये एक्स स्क्वायर ये हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा, पर ये छोटा होगा, किससे छोटा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन से। अगर आपने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो ये हो जाएगा जीरो के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये थोड़ा सा विचित्र तरीका है, थोड़ा सा विचित्र है, याद रखने जैसा हो गया कि ये याद कैसे रहेगा। तो मैं आपको ये इसको एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, क्यों एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यही तो है एफ ऑफ एक्स। तो इसका रेंज हो जाएगा जीरो तो इंक्लूडेड है क्योंकि जीरो पे क्लोज्ड है, और वन पे ओपन क्योंकि वन एक्सक्लूडेड है, ये इसका रेंज है। पर दोस्तों इसका रेंज निकालने का एक और भी अच्छा तरीका है, और वो तरीका भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कभी आपको कोई अलग तरह के फंक्शंस हो और रेंज निकालने की बात आएगी तो उनके लिए कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक एडिशनल क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो आपको निकालना है, डोमेन निकालना है इसका और रेंज निकालनी है आपको, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन तो आपको क्लियर है कि 2x माइनस वन जब जीरो होगा तो उसको हटा दो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो ये डोमेन आ गया आपका।
रेंज के लिए आपको क्या करना है, रेंज के लिए मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स को वाई लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दें आप, वाई। तो एफ ऑफ एक्स को जब वाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू x अपॉन 2x माइनस 1। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x की वैल्यू निकाल लें, फाइंड x, अगली स्टेप में x फाइंड कर लें, तो 2xy माइनस y इज इक्वल टू x, 2xy माइनस x इज इक्वल टू y, x कॉमन ले लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई। अब y क्या नहीं हो सकता है, तो फॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जिसका डोमेन और रेंज एक जैसा दिख गया, तो y क्या नहीं हो सकता, y cannot be what, y cannot be 1/2। तो रेंज इसका हो जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 1/2, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट व्हाट, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1/2। तो पिछले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। एक क्वेश्चन आप और ट्राई कर सकते हो चाहो तो, मैं आपको फिर पिछले क्वेश्चन का एक आइडिया देता हूँ, आप इसका ट्राई जरूर करिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का, और मुझको लिख के बताइएगा कि क्या डोमेन आया और क्या रेंज आया। अब आपको जो पिछला क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6 में एफ ऑफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, वाई। अब हम जो इसका एक यूनिवर्सल मेथड है, जिस जो जनरल मेथड है उससे कर रहे हैं, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको उधर भेज दें आप, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू वन माइनस वाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई अपॉन वन माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस माइनस, ये एक्स की वैल्यू है फंक्शन की नहीं है, इसलिए एक्स की तो चलेगी, प्लस माइनस आएगा उसमें। अब आपका वाई अपॉन वन माइनस वाई क्या होना चाहिए, वाई अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो अंडर रूट में आ गया है। तो आप लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें इस टाइप की चीज़ों के बारे में मैंने बहुत जिक्र किया है, तो आप उसको देखें, ज़रूर देखें। आपका क्रिटिकल वैल्यू, इसको जीरो से इक्वेट करो, इसको भी जीरो से इक्वेट करो। अब आप एक काम करो, जीरो से छोटी वैल्यू लो, माइनस टू इसमें रखो, माइनस टू अपॉन वन माइनस माइनस टू, माइनस से माइनस कट गया, माइनस टू अपॉन थ्री नेगेटिव आएगा। जीरो और वन के बीच की वैल्यू लो, हाफ हाफ ली आपने, तो हाफ अपॉन वन माइनस हाफ, हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन हाफ तो प्लस हो गया, तो प्लस लिख दें आप, और वन से बड़ी वैल्यू टू ले लें, टू कोई भी ले लें वन से बड़ी वैल्यू, तो ये माइनस आ गया, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, इस एरिया में, तो हमारा इंटरेस्ट इस एरिया में, ये वाला और यहाँ तक। वन नहीं शामिल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वन डिनोमिनेटर में है, और वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इसका दोस्तों रेंज आ गया इस मेथड से भी, जो बहुत पॉपुलर मेथड है। आप इसको और दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात नहीं है, सिक्स मैंने आपको कहा था दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके टीचर्स जिस मेथड को रिकॉग्नाइज करें आप उस मेथड से कर लें, और चाहें तो बता भी सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में तो कोई खास बात नहीं है, 7 में आपको एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स
दिया है आपको 2x माइनस 3, आपसे पूछा है f प्लस जी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, f प्लस जी में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो f प्लस जी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x माइनस 2, f माइनस जी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, f अपॉन जी डिवाइड कर दीजिए, पर इनके लिखने का तरीका थोड़ा आपको सुधारना पड़ेगा, ये तरीका नहीं चलेगा, तो आप ऐसा कर दें x कॉमा धिस, इसमें कर दें आप x कॉमा धिस, इसको कर दें आप x कॉमा धिस, ठीक है, पहले मैंने नहीं लिखा क्योंकि फिर अटपटा लगता आपको, इसमें x क्या होगा रियल नंबर होगा, इसमें x क्या होगा रियल नंबर होगा, इसमें x 3/2 नहीं हो सकता क्योंकि 3/2 पे 0 हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू ये इसका दोस्तों एग्जैक्ट और सही आंसर है, इसी तरीके से आप लिख के आना, आपको फुल ऑन फुल मिलेंगे। अब टाइम लगभग 21 मिनट हुआ है, काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, कम समय में ज़्यादा काम हुआ है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फंक्शन दिया है f z से z में, z यानी इंटीजर से इंटीजर में, और f की वह f ऑफ x दिया है ax प्लस b, और f के अंदर जो वैल्यूज हैं 1,1, 2,3, 0,-1, -1,-3, और आपको निकालना है a और b, क्या निकालना है a और b, ये क्वेश्चन है आपका, a और b निकालना है, तो बिल्कुल आसान है, आप साथ रहेंगे देखते चलेंगे आगे बढ़ जाएंगे। देखें ये जो वैल्यू है इसमें 1,1, 1,1 है, 2,3 है, इसमें जो पहला वाला भाग होता है वो x होता है, ये कौन होता है x, दूसरा वाला कौन होता है f ऑफ x, हर में हर एक में ये भी क्या होगा x होगा, दूसरा क्या होगा f ऑफ x, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा और इसमें भी वही होगा, तो 1,1 किसको बिलोंग करता है, 1,1 f ऑफ x को बिलोंग करता है, मतलब x का वैल्यू कितना है 1 और f ऑफ x का वैल्यू कितना है 1। अब दूसरा कौन है 2,3, ये भी बिलोंग किसको करता है f ऑफ x को बिलोंग करता है, ये भी x है f x है, ठीक है, 2,3 भी f x को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x 2 है और f ऑफ x कितना है 3 है, और आगे भी लिख सकते हैं पर इतने में ही काम हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि f ऑफ x कितना है आपके पास, ध्यान दो f ऑफ x क्या है आपके पास ए एक्स प्लस बी है f ऑफ x, तो x की जगह 1 डाल लें और f ऑफ x की जगह क्या डाल देंगे 1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे x की जगह 2 डाल देंगे और f ऑफ x की जगह 3, 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी, नंबर दे दें आप, ये 1 दे देंगे इसको, इसको 2 दे देंगे और 1 में से 2 माइनस कर देंगे या 2 में से 1 कर दें, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, a माइनस 2a माइनस a और b से b कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई दोस्तों 2, a की वैल्यू 2 कहाँ रख देंगे आप, a की वैल्यू 2 आप रख दें इसमें रख दें, पुटिंग इन 1, वन में रख दें, तो वन में रख देंगे ए की वैल्यू, तो ए क्या वन क्या है आपका, वन इज इक्वल टू ए प्लस, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस बी, तो इससे 2 इधर भेज दिया तो बी की वैल्यू आ गई
माइनस टू। तो यही दोस्तों इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका? ए इज इक्वल टू टू। ओ माई गॉड, बी की वैल्यू माइनस वन आएगी, वन माइनस टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये था, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 to 12 काफ़ी छोटे सवाल हैं, आप ध्यान से देखते रहेंगे आपको सब आ जाएगा। सारे सवाल स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए बने हैं और स्टूडेंट्स लॉजिक समझ जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और आप वैसे भी होशियार स्टूडेंट हो। अब 9th क्वेश्चन रिलेशन पे बेस्ड है, तो रिलेशन का भी वीडियो है फॉर्चुनेटली आपके पास। रिलेशन है एन से एन में। मैं थोड़ा नोटेशन से लिखता हूँ, आप सवाल देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। रिलेशन एन टू एन है, और रिलेशन कैसा लिखा है? रिलेशन के अंदर वही ए कॉमा बी आएंगे, कौन से? सच दैट ए कॉमा बी एन में होंगे, मतलब नेचुरल होंगे, एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। इसका एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर मैं देख के बोल देता हूँ आपको, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19, आप उसको ज़रूर से सॉल्व करिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प यू। अब इसमें क्या क्या सही हैं क्या क्या गलत हैं आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? पहला, ए कॉमा ए आर में होगा, आर में होने का मतलब रिलेशन में होगा, तो इसमें होने की शर्त है ए बराबर बी स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछता हूँ, इज ए इक्वल टू ए स्क्वायर? क्या ए बराबर ए स्क्वायर होगा? तो ए कौन है? ए नेचुरल है, तो क्या वन वन बराबर वन स्क्वायर तो होता है, तो इसके लिए तो ट्रू है। लेकिन टू बराबर टू स्क्वायर होता है, थ्री इक्वल टू थ्री स्क्वायर होता है? नहीं होता, नहीं होता। तो एक के लिए होता है, बाकियों के लिए नहीं होता है, तो आपको क्या मानना है कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा इसका? फॉल्स। ये पहला सवाल था। अब दूसरा क्वेश्चन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा बी आर में है। अब इसमें भी ट्रू फॉल्स बताना है, दो पार्ट, तीन पार्ट का क्वेश्चन है। तो थर्ड पार्ट है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, ये निशान भी इम्प्लाइज का है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। लेकिन ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगेगा, आप एग्जाम्पल दो। देखो ए बराबर बी स्क्वायर, क्या बोलता है क्या बी बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा? नहीं। आप एग्जाम्पल दो, ए इज इक्वल टू क्या ले लो? फोर। बी इज इक्वल टू क्या ले लो? टू। फोर इज इक्वल टू टू स्क्वायर है, बट टू इज नॉट इक्वल टू फोर स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी आर में, बी कॉमा सी आर में, तो क्या ए कॉमा सी आर में होगा? ये हमें बताना है। तो इसका भी आंसर नो होगा, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा सा पहले इसको सिंबॉलिकली लिखें, क्योंकि अगर आर के अंदर होना है उसको, इसको आर के अंदर होना है, तो ए बराबर बी स्क्वायर होना, ए बराबर बी स्क्वायर, बी बराबर सी स्क्वायर। तो डज इट इम्प्लाई ए बराबर सी स्क्वायर? तो आप ऐसे नो मत लिखो, आपको एग्जाम्पल लगेगा तो आप एग्जाम्पल दें, आप दे दें ऐसा 16 का दे दें, 16 इज इक्वल टू फोर स्क्वायर, फोर इज इक्वल टू टू स्क्वायर, बट 16 इज नॉट इक्वल टू टू स्क्वायर, ऐसे एग्जाम्पल दे करके जस्टिफाई कर दें। तीनों के आंसर नो हैं। और ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन है कि फंक्शन है, तो आइडेंटिफाई करना बेहद आसान है, आप मास्टर हो इसके। तो 10th क्वेश्चन, ए दिया हुआ है आपको, एफ कहां से कहां डिफाइन है? ए 1 2 3 4 से
1, 5, 9, 11, 15, 16. कैसे डिफाइन है? पहला नहीं, एक ही है, एफ इज इक्वल टू 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11. तो ये एक रिलेशन है या ये एक फंक्शन है? तो इसका वेन डायग्राम बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वेन बना लिया, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर क्या है? 1, 5, 9, 11, 15, 16। छोटे लिखना पड़ेगा, 1, 5, 9, 11, 15, 16। वन का रिलेशन किससे है? 5 से। 2 का रिलेशन 9 से। 3 का रिलेशन 1 से। 4 का रिलेशन 5 से, 15 से। 4 का रिलेशन 5 से, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, 4 का रिलेशन 5 से। पर 2 का रिलेशन 11 से भी ये प्रॉब्लम है कि 2 की दो इमेजेस हैं। तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि 2 की दो इमेजेस हैं, बिकॉज 2 इज हैविंग 2 इमेजेस, हैविंग 2 इमेजेस। और फंक्शन में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये 4 की, ये 4 की एक ही है, 1 की भी एक ही है, पर 2 की दो हैं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि उसमें जस्टिफिकेशन भी पूछा है, तो रिलेशन तो होगा, रिलेशन इज नॉट एन इश्यू। रिलेशन तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा, रिलेशन आप देखेंगे जब रिलेशन समझें। तो मिसलेनियस आप डायरेक्ट नहीं करें, पहले रिलेशन का वीडियो देखिए, फिर फंक्शन का देखिए, फिर आप मिसलेनियस पे आए। 11, एफ जेड क्रॉस जेड का सबसेट है। और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, इतनी मेरी आपसे इच्छा है और इतनी ही रिक्वेस्ट है। वीडियो में सारे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, दोस्तों तक बात पहुंचा दें। बी अ गुड मैसेंजर फॉर द होल सोसाइटी। अब ये इज दिस अ फंक्शन और नॉट? इज एफ अ फंक्शन? पहले आप समझ लें कि जेड होता कौन है। तो जेड के एलिमेंट होते हैं 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपका एफ क्या है? तो ये लिखा है इस ढंग से, मैंने आपको बताया भी है, इस लिखने का मतलब होता है एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। ए और बी की अलग अलग वैल्यू डालो, आउटपुट निकालो। अब कितनी सारी डालें? ए और बी क्या है? तो ए और बी इंटीजर के इंटीजर है, तो इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स होते हैं, पर फंक्शन में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। तो एक ही ऐसी उल्टी बात सोचो, पुलिस के जैसी बात सोचो, कुछ उल्टा सोचो। ए और बी की ऐसी वैल्यू डालो कि ये तो एक हो पर ये दोनों अलग अलग आए। तो देखो, ए की जगह 0 डाल दिया और बी की जगह 1 डाल दिया, तो ये कितना हो गया? एफ ऑफ 0 × 1 = 0 + 1। मतलब 0 इंटू है, ये है ना, डॉट मतलब इंटू, तो ये 0 = 1 आ गया। ये एक कर दिया, अब ए की जगह 0 डाल दो, बी की जगह 2 डाल दो, और कुछ मन पड़े वो डाल दो, तो ये जाएगा एफ ऑफ 0 × 2 = 0 + 2। एफ ऑफ 0 = कितना होगा? 2। तो 0 की कितनी इमेज आ गई? 0 इज हैविंग 2
टू इमेजेस। और यही तो फंक्शन को नापसंद है, यही तो फंक्शन को नापसंद है। तो जीरो इज हैविंग टू इमेजेस, देयरफॉर एफ इट इज शोइंग दैट जीरो की और भी हो सकती है, जीरो टू जीरो थ्री। तो आप टू नहीं लिखते हो तो मैनी भी लिख सकते हो, मैनी टू लिख दो, मैनी लिख दो। देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन। बस अब दोस्तों मुराद पूरी आपकी, और हम हैं आखिरी सवाल पे एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 12 पे। बेहद आसान और मज़ेदार चैप्टर, और आपको एक घंटा भी नहीं लगा। आई होप कितना टाइम है, 35 मिनट्स हुए, और विद इन 5 मिनट्स नेक्स्ट भी हो जाएगा आपका। ए क्या है, ए है आपका 12th क्वेश्चन, 9, 10, 11, 12, 13। एफ आपका फंक्शन है, ए से कहाँ पे, नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर तो मालूम है आपको, 1, 2, 3, 4 कुछ भी होते हैं अप टू इनफाइनाइट। तो ये हो गए नेचुरल। और एफ ऑफ एन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ऑफ एन, एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो अगर आप 9 लिख दो तो 9 के फैक्टर्स भी आपको मालूम हो। 9 होता है 1 × 3 × 3, तो हाईएस्ट प्राइम कौन है, 3 है। एफ ऑफ 10, 10 को कैसा लिख सकते हो आप, 10 को लिख सकते हो 2 × 5, तो इसका हाईएस्ट प्राइम हो गया 5। एफ ऑफ 11, 11 को तो 1 × 11 ही लिख सकते हो आप, तो 1 × 11। पूछा क्या है आपसे, रेंज पूछी है दोस्तों, क्या पूछा है आपसे, रेंज। तो बस अब आपका काम हो गया, अब आप F12 और F13 निकाल लेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो एफ ऑफ 12 क्या होगा, एफ ऑफ 12 इसके फैक्टर लिख दें, इसके होते हैं ना 1 × 2 × 2 × 3, तो ये 3 हो गया। और एफ ऑफ 13 का तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 13, तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा, जो मिला वो रेंज है। क्या क्या मिला, मिला है 3, 5, 11, 3 फिर से लिखा है, तो 3 फिर से नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो ये रेंज है दोस्तों, और ये था क्वेश्चन नंबर 12। हमने काफ़ी अच्छी मेथड से सॉल्व किया, काफ़ी समझा के मैंने कोशिश की कि आपको काफ़ी समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप इस पर क्वेरी डाल सकते हैं जैसे दूसरे बच्चे डालते हैं, और मैसेज करना कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट लिख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप इम्पॉर्टेंट समझते हैं और कर देंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। और विश यू ऑल द बेस्ट।